महिमा है। पर अगर योग्य शिष्य मिल जाए तो गुरु के संकल्पों को पूर्ण होने में शिष्य का भजन बड़ा योगदान करता है। तुम्हारा हमारा सबका जन्म कुछ सीखने के लिए हुआ, कुछ करने के लिए हुआ। आज हमने दरबार में प्रारंभ में एक सूत्र दिया था, गरीब होना श्राप नहीं है, गरीब मरना पाप है। भगवान की कृपा नहीं हो गए, सब महान लोग गरीब घर में ही पैदा हुए। जितने महान दुनिया के थे वो गरीब घर में ही पैदा हुए, वरना महानता किस बात। महान घर में कोई पैदा हो वो कभी महान नहीं बना, गरीब घर में पैदा हुआ हमेशा महान। पर वर्तमान हमने अभी कल परसों नवरात्रि में एक कोट्स लिखा था, रील की जिंदगी में रियल खोजना बड़ा कठिन। अब आपको ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि आप गुरु मुखी हैं, गुरु परंपरा से हैं, बहुत प्रसिद्ध परंपरा से हैं, बागेश्वर धाम रामानंदी परंपरा है आपकी, आप गुरु मुखी हैं। तो गुरु मुखी रहकर के अगर आपके अंदर गुरु के लक्षण परिवर्तित नहीं हुए, हम अपने चेलों को अपने आसपास चेले तो सब हैं, तुम भी हो, पर हमारे जो आसपास रहते हैं उनको कई बार कहते हैं कि भाई कम से कम तो हमारी तरफ तो देखो। वर्तमान समय में ज्यादातर लोग गुरु बनने की होड़ में, और हमसे कोई अगर हमारे मन की बात पूछे तो हमें चेला बनना पसंद, क्योंकि गुरु की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी, चेला की जिम्मेदारी बहुत कम होगी। चेला की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी कि गुरु की बात का पालन, पर गुरु की इतनी जिम्मेदारी हर चेले का प्यार। गुरु का भार बहुत बड़ा होता है, क्योंकि गुरु को सबको संभालना पड़ता है, चेले को केवल अपने गुरु को संभालना पड़ता है। अगर कोई हमसे पूछे कि आप क्या बनना पसंद करो, तो पहली हमारी पसंद ये होगी कि हम चेला बनना पसंद। बात टीवी वाली नहीं है, टीवी वाली भी नहीं, पर बात है हम दुनिया के सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी है, क्योंकि हमें ये पता है कि हम मूर्ख हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाह रहे हैं सूत्रों के द्वारा, गुरु तत्व जब तक आपके अंदर प्रवेश नहीं होगा, गुरु के लक्षण परिवर्तन नहीं होगा, तब तक आपका शिष्यत्व अधूरा। बुरा मत मान, हमें उन लोगों को नहीं देखना जो विफल हुए, हमें उनको देखना है जो सफल। हमें उनको नहीं देखना जिन्हें भगवान नहीं मिले, हमें उनको देखना है जिनको गुरु के बल पर भगवान, चाहे वो मीरा हो, रसखान हो, रैदास हो, सूरदास हो, तुलसीदास हो, महावीर हो, गुरु नानक हो, गौतम बुद्ध हो, जिन्होंने परम सत्ता को पाया, हमें उनको देखना। पर आपने जो दीक्षा ली है वो सिर्फ मिलने के लिए, नाम के लिए, फोटो के लिए, स्टेटस के लिए नहीं। ऐसा स्टेटस बनाओ कि तुम्हारा स्टेटस कोई और बने, ऐसा स्टेटस अपना क्रिएट करो कि तुम्हारा स्टेटस कोई और बने। और उस स्टेटस को बनाया भी जा सकता गुरु तत्व के बल पर। बात यह है कि आप सुनते बहुत हो, चलते कम, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप जितना सुनो उससे दुगना चलो। अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है तो हमें हमारे बहुत ही प्रिय है जयवर्धन, हम वो कहीं जा रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, बोले गुरु जी हमसे पक्कर बात ना बोले, भूख से आधा खाओ, भूख से आधा खाओ, पानी दोगुना, भूख से आधा खाओ, पानी
डबल पियो, हंसो चार गुना। शंकर रहने का सूत्र तो आपको जो मंत्र मिला, दीक्षा मिली, हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, फिर हम आपको जगाने के लिए बुलाए। ऐसी भक्ति में डूबो, ऐसी बुद्धि का प्रयोग करो, ऐसे विवेकवान बनो, ऐसे प्रज्ञावान बनो, ऐसे बुद्धिमान बनो, सफलता आपकी इतनी हो उसकी गूंज बाकी सुना। हम अंग्रेजी में बोल पाए, आई प्राउड ऑफ यू, दिस इज माय यूनिवर्सिटी, आई प्राउड ऑफ यू। हमको गर्व है आपका, ये हमारा चेला अभी भी है, तो तुम सब हमारे चेला हो। थोड़ा और हमारे गर्व को, अच्छा गर्व मतलब ये नहीं है सब सभी गुरु का पता नहीं क्या होगा सोचना, हमारा जो क्योंकि हम अपने आप को गुरु मानते नहीं, हम थोड़ा सा अलग जीने का डर, थोड़ा सा देखने का डर अलग। हमारा उद्देश्य आप हमारे परिवार के सदस्य, हमारा उद्देश्य आपको लेके जो है, जो दीक्षा दी, जो मंत्र दिया, आप 6-7 को पात्र जन्म लेने का